Hello everyone, welcome to this video. और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी. After a long, long time, you are seeing a video on this channel. तो आज हम बात करने वाले हैं आयुष राजपूत जी से. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, he has got All India rank 24 in SSC CPO 2019 examination. SSC CPO 2019 के एग्जाम में All India rank 24 इनकी आई है. और इन्होंने दिल्ली पुलिस में SI सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में रैंक हासिल की, पोस्ट हासिल की है. सो आयुष राजपूत इनका नाम है और इनसे हम जानेंगे कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या कुछ होता है इस एग्जाम में और कौन इसे क्लियर कर सकता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है. एवरीथिंग अबाउट दिस पोस्ट आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं आयुष राजपूत से. आयुष राजपूत, स्वागत है आपका वीडियो में. थैंक यू सो मच सर, इट इज माय प्लेजर दैट आई हैव गॉट टू शेयर द स्क्रीन विद यू. मेरा भी प्लेजर है कि आप मुझे इंटरव्यू देने को रेडी हुए और बच्चों के लिए भी हेल्प फुल हो जाएगा ये वीडियो. शुरू से शुरू करेंगे. एसएससी सीपीओ तो मैं इस एग्जाम के बारे में काफी हद तक जानता हूँ, नॉट फुली बट काफी हद तक मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल से मैं इसमें हूँ. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम हर बच्चा नहीं देता है, बहुत सारे लोग नहीं देते. जो ज्यादा पॉपुलर है वो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल है. सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में सबको पता है और हर कोई इसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जैसे कि सीपीओ हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इन एग्जाम्स के बारे में कम नॉलेज रहती है. सीपीओ की भी अच्छी खासी है. तो मुझे पहले ये बताओ कि सीपीओ का एग्जाम किसके लिए होता है और क्या कुछ इसमें पोस्ट्स रहती हैं, पहले तो हम इस पे जान लेते हैं. सर, सो पर्टिकुलरली जो सीपीओ एग्जामिनेशन है उसमें जो रिक्रूटमेंट रहता है वो जितना भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं लाइक बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन फोर्सेस के लिए रहता है विच आर आई फॉरगॉट द नेम, पैरामिलिट्री फोर्सेस. यस, दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेस. एंड सिंस दिल्ली इज नॉट अ कंप्लीट स्टेट, सो यूटी है, तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है ऑफ सब इंस्पेक्टर वो भी सीपीओ एग्जामिनेशन के थ्रू ही रहता है. सो दीज आर ऑल द फोर्सेस जिनका रिक्रूटमेंट एसएससी सीपीओ इस एग्जाम के थ्रू रहते हैं. ठीक है, बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस और एसएससी दिल्ली पुलिस इन सब के लिए सेंट्रल सॉरी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है. यस सर, यस सर. ठीक है, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का ग्रेड पे कितना रहता है? सर 4200 ग्रेड पे रहते हैं, जिसका बेसिक पे समवेयर अराउंड 35,400 से स्टार्ट होते हैं एंड इट गोस टिल अराउंड 1,12,000 समथिंग. सो बेसिकली और उसमें तो बेसिकली इंक्रीमेंट्स के साथ, यस, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ओके, सो बेसिकली इनिशियली आपकी सैलरी अराउंड 55,000 के अराउंड आपकी शुरू हो जाती है इन दिस पोस्ट. तो इट्स अ डिसेंट पोस्ट, अच्छी पोस्ट. यस सर, इसमें जो लेटेस्ट अभी शेयर हुआ था उसके अकॉर्डिंग द वन हु इज सिलेक्टेड इन सीपीओ इन दिल्ली पुलिस एज सब इंस्पेक्टर, सो दे आर गेटिंग अराउंड 63,000 to 64,000 पर मंथ. सिंस दिल्ली इज अ एक सिटी, सो All the allowances, जितना भी रहते हैं वो maximum rate पे रहेगा. और क्योंकि मतलब पुलिस की जॉब है तो शायद risk allowance वगैरह भी इसमें रहते होंगे, इसलिए salary अच्छी बनती है. ठीक है. Yes sir. Okay आयुष, आप किसी बात आपकी जर्नी से शुरू करते हैं. आपने All India rank 24 हासिल किया, which is huge. किसी भी competitive exam में top 50 में आना जो very huge thing. पहले तो ये बताओ yes, क्या कभी सोचा था कि टॉप करोगे, या मतलब बचपन से टॉपर नेचर के रहे हो या यहाँ पे टॉप किया है? सर बचपन से तो टॉपर मतलब ऐसे नहीं रहा हूँ, बट हाँ आफ्टर 10th अगर मैं बात करूँ तो 12th में परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा था. इतना था कि जो अनरिजर्व सीट रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो मेरे को रेगुलर कॉलेज में मिल पाया. तो हाँ मतलब एकेडमिकली मतलब स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया रैंक 24 अचीव कर पाऊँगा. बट हाँ अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छा रहा है स्टार्टिंग से. तो कहीं ना कहीं जैसे इस एग्जाम में हम देखते भी हैं कि 250 मार्क्स का जो पूरा सेक्शन है वो इंग्लिश का ही रहता है, तो एक थोड़ा सा बिलीव था अपने ऊपर कि हाँ अगर मैं मेहनत करूं. कुछ टारगेट्स मैंने अपने माइंड में बनाए थे अचीव करने के लिए कि मेंस में मेरे को कम से कम 190 प्लस रखना है, ऐसी तरीके से प्रीलिम्स में मेरे को 45 प्लस रखना है. वो टारगेट्स मैं अचीव भी कर पाया और इन टारगेट्स को अचीव करके आज मेरे को ऑल इंडिया रैंक 24 मिला. आयुष थोड़ा सा ना तेज बोलिएगा क्योंकि आवाज आपकी थोड़ा स्लो हो रही है. ठीक है, अगली बार से थोड़ा. ओके सर,
ठीक है, एकेडमिकली आपने बताया आप ठीक ठाक थे, मतलब एवरेज थे और अच्छे ही थे पढ़ने में. एनीवेज ओके, एकेडमिक में आपका साइंस बैकग्राउंड था या आपका साइंस बैकग्राउंड था या आपका आर्ट्स था? नो सर, सर मेरा कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड था. मैंने 10th के बाद कॉमर्स विद मैथ्स ऑप्ट करा था और मेरा जो ग्रेजुएशन भी रहा है वो बीकॉम में रहा है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो इंग्लिश मीडियम रहे आप या हिंदी में? ये सर मेरा स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का. इंग्लिश मीडियम आप करा है? ओके यस सर. ठीक है, अब स्कीम ऑफ एग्जाम पे बात कर लेते हैं कि पेपर क्या क्या होते हैं. एक बार आप ये बता दो स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होती है, कौन सा पेपर होता है, उसके बाद क्या स्टेप होता है, फिर हम बात करते हैं कि तैयारी आपने कैसे की. ओके सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम वो मोर ऑर लेस एसएससी का जितना भी है उसमें सिमिलर पैटर्न पे रहते हैं. बस सीपीयू में एक चीज डिफरेंट है कि जैसे दूसरे जो एग्जाम्स हैं लाइक सीजीएल सीएचएसएल तो उसमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन. बट सीपीयू में ऐसा नहीं है, उसमें अभी भी 50 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ऑल फोर सेक्शंस, जर्नल अवेयरनेस, देन देयर इज रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. फिर टायर वन जब हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारे को फिजिकल के लिए जाना पड़ता है. तो फिजिकल में भी हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें वहाँ पर फुलफिल करने पड़ते हैं. मतलब दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमारे साथ उस दिन, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं और एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बेसिकली जो हाइट रहता है, वेट रहते हैं, उन सब चीज़ों का मेजरमेंट रहते हैं. और उसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में कुछ 5 इवेंट्स होते हैं जिन्हें हमें क्वालिफाई करना होता है. उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है कि उसका कुछ मार्क्स है या कुछ है, दे आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज आवर मेंस एग्जामिनेशन विच इज टायर टू. टायर टू में जो हमारा रहता है वो इंग्लिश रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें 200 मार्क्स का इंग्लिश सेक्शन आता है और वो हमारी मेरिट डिसाइड करते हैं. मतलब इंक्लूडिंग प्रीलिम्स विच इज ऑफ 200 मार्क्स एंड मेंस इंग्लिश विच इज ऑफ 200 मार्क्स अगेन, तो टोटल जो हमारा मेरिट डिसाइड होते हैं वो 400 मार्क्स पर डिसाइड होते हैं. उसके बाद फिर हमारा मेडिकल देते हैं, उनके भी अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं. जो वो फुलफिल करेगा देन उसको ही आगे वो डीवी के लिए जो लिस्ट आउट होते हैं उसमें बुलाया जाता है. और डीवी के बाद देन हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट होते हैं वो सर आ जाते हैं. सो ये पूरा स्कीम रहता है इस पूरा, मतलब जो एग्जामिनेशन है एसएससी सीपीए. तो अब टीयर वन की बात करते हैं. टीयर वन में आपने बताया मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और जीएस आता है. 50-50 क्वेश्चंस ईच एग्जाम से आता है, ईच पेपर से आता है आपका. 2 घंटे का पेपर होता है और 200 में से आपको स्कोर करना होता है. आपका एक कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है. अगर फिजिकल में आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको टीयर टू के लिए बुलाया जाता है विच इज ऑफ इंग्लिश. 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, दोनों की टीयर वन टीयर टू की मेरिट बनती है, फिर मेडिकल के लिए बुलाते हैं, देन आगे प्रोसेस होता है. ठीक है, तैयारी कैसे करते हैं आप, पढ़ाई कैसे करते हैं, जो आपने 4 सब्जेक्ट बताए कितना समय देते हैं, कितनी मेहनत लगती है, आपने कितने दिन की तैयारी करी थी और कितने दिन की तैयारी इनफ होती है, ये सारे सवाल. ओके तो सर, मैं जब अपने फाइनल ईयर में था तो मैंने तब से ही कुछ हमारे लास्ट सेमेस्टर में 3-4 मंथ्स रह गए थे. तो मेरा उस टाइम पे एम था एसएससी सीजीएल का. ऑल दो जैसे मैंने बताया टायर वन इन सभी एग्जामिनेशन का सिमिलर पैटर्न पे रहते हैं, वही 4 सेक्शंस रहते हैं. तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मुझे ये चीज़ मालूम थी कि जो रीजनिंग का सेक्शन है उसे अलग से ऐसे टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली अगर उन्हें मॉक्स को भी मैं अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसके थ्रू भी, अगर मैं डेली बेसिस पे या जितने भी मैं वीकली मॉक्स लगा रहा हूँ, वेदर आई एम टेकिंग 3 मॉक्स और 4 मॉक्स, तो उसके थ्रू रीजनिंग का जो मेरा सेक्शन था वो प्रिपेयर होता रहता था. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के लगाए, उसमें से लेट से 35 मैं करेक्ट कर पाया, 10 मेरे इनकरेक्ट हो गए और 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे को आए नहीं या जिसे मैंने अनआंसर्ड करके आ गया. तो मैं फिर काम किस पे करता था उस वीक में रीजनिंग पे, जिससे कि जो 15 क्वेश्चंस हैं उनके में जो टॉपिक्स होते थे उन्हें यूट्यूब से कवर करता था. सो दैट जो भी ऐसे एरियाज है, वीक एरियाज है मेरे, वो मेरे धीरे धीरे मॉक्स करके ही प्रिपेयर होते रहे. क्योंकि रीजनिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, कुछ टॉपिक्स रहते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स रहते हैं. अगर हम उन्हें अच्छे से कवर करें, उनके प्रैक्टिस करें, उन पर अगर कमांड हमारी थोड़ी अच्छी हो जाए तो रीजनिंग में स्कोर करना काफ़ी ईजियर हो जाता है. और सर अगर आप जीएस वाले सेक्शन पे हम आए, जर्नल साइंस पे, जर्नल अवेयरनेस, तो इसमें अगेन ये सेक्शन अपने आप में इतना वास्ट है कि इसे कवर करने में ही जो एक कैंडिडेट होता है वो थोड़ा पहले ही डर जाता है कि सिलेबस उसे साइंस भी कवर करना है. साइंस में अगेन वहाँ पर 3-4 सेक्शंस रहते हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
और भी चीजें रहती हैं इसी तरीके से सोशल साइंस में। तो इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व करा, मैंने ये चीज देखी कि हर एक टॉपिक से कुछ सिलेक्टेड एरियाज होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल पॉलिटी से लूँ तो पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, देन जुडिशरी वाले एक पार्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे हर एक एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं हर एक मतलब सब्जेक्ट में जो जीएस के अंदर है वहां से आ रहे हैं। तो अगर हम उनके ऊपर कमांड बनाना स्टार्ट कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहें तो काफी ज्यादा ईजियर हो जाता है जीएस के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाना। आगे हम बात करें अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसके लिए मेरे को लगता है कि आपको पूरा एक जो डिसिप्लिन स्टडी है उसकी जरूरत होगी, क्योंकि अभी तक हम जो 12th क्लास तक पढ़कर आते हैं वो जो मैथमेटिक्स होता है, ऑल्दो हाँ सही है ये कहना कि 10th तक जो हमने पढ़ा है, 11th तक जो हमने पढ़ा है वहीं से एग्जाम रहते हैं, बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है वो होता है स्पीड। अब स्कूल लेवल पे जब हम थे तो हमारे पास 3-3 आवर्स के पेपर होते थे जो हमें कंप्लीट करने होते थे, और उसमें कुल क्वेश्चंस कितने होते थे, कुछ 25-30 क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 घंटे, या अगर हम सीजीएल वाले कॉन्सेप्ट पे बोले तो 1 ही घंटा है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट अवेलेबल है। तो इस चीज को उस टाइम फ्रेम में मैनेज करना वो एक काफी डिफिकल्ट जॉब हो जाता है जो मेरे को फील हुआ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कवर करते थे। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। एक बार अगर आपके सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, चाहे वो मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है, और भी अदर टॉपिक्स हैं एडवांस मैथ्स के जो एरिथमेटिक हो गए, उनको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा है, आप सिंपल प्रैक्टिस करके भी आगे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। वो आपको मॉक्स की जो आपकी प्रोग्रेस है उससे आपको पता चलने ही लगेगा। अगर आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें आपको लग रहा है कि हाँ यू नीड समवन्स हेल्प, तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं अपने केस में बताऊँ तो मैंने पर्टिकुलरली अभिनय शर्मा सर है उनसे मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा था, और उनसे मेरे को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो उन्होंने काफ़ी हेल्प करा कि किस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हें कम से कम लिमिटेड से लिमिटेड टाइम में करा जाए। और उन्हीं की वजह से अगर मैं मानूंगा, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब हमारा सीपीओ का प्रीलिम्स हुआ था, तो उस टाइम पे जब हम बाहर निकले थे उस टाइम पे क्या था कि जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैथ्स के वो काफ़ी ज़्यादा हायर, मतलब उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से मैं जिससे भी पूछ रहा और हर एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि मैथ्स में तुम्हारे कितने क्वेश्चंस हुए। तो मेरे को अभी भी याद है कि वहाँ पर जब मैंने सुना कि हर किसी के हर एक कैंडिडेट कोई 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई 30 कह रहा हूँ, और जब मैं बाहर निकला मैंने देखा कि मैं तो 41 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आया हूँ, तब मेरे को अपने ऊपर थोड़ा सा मतलब ऐसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिए। लेकिन मेरे को ये भी याद था कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे वो मेरे ऑप्शंस के अंदर थे। तो एक जो इनसिक्योरिटी कहते हैं वो मेरे को वहाँ पर थोड़ा फील हुआ, लेकिन हाँ जब प्रीलिम्स के जब मार्क्स आउट हुए तो आई वॉज क्वाइट एश्योर्ड कि मेरे क्वांट्स के अंदर आउट ऑफ 41 क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट करे उसमें से 40 मेरे करेक्ट थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। और आगे बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सर मैंने कोरा पे अपने आंसर्स भी शेयर करें, तो इंग्लिश में मैं जो सबसे अच्छी अप्रोच समझता हूँ, अगर हम इंग्लिश को एक पूरा तरीके से देखें तो टोटल 3 सेक्शंस में हमारा जो एग्जाम है वो डिवाइडेड है। एक कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, एक हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन हो जाता है, और एक हमारा ग्रामर का सेक्शन हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि इन तीनों सेक्शंस को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी हम न्यूज़पेपर नहीं करते हैं, या अभी हम वोकैबुलरी एग्जाम के टाइम पे कवर कर लेंगे, अभी सिर्फ ग्रामर के ऊपर कमांड बना ले। तो इस तरीके से मेरे को लगता है ये स्ट्रैटेजी उतना ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। आपको तीनों जो सेक्शंस हैं वो साथ के साथ लेकर चलने पड़ेंगे। आप अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिंस आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, तो मैं न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करता था। मैं पर्टिकुलरली इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था। अगर किसी को स्टार्ट करना है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड करके सेक्शन आता है, उसमें जो भी न्यूज़ आता है उसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स में कवर करा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल एस्पेक्ट टू
करंट सिचुएशन जो भी इस टाइम पे चल रहा है. तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई अभी कमांड बनाना चाहता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे, तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू स्टार्ट कर सकता है. उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी के लिए बेसिक मैंने क्या करा सर, कि कुछ हमारे PDF हमें अवेलेबल हो जाते हैं आज के टाइम पे गूगल पे. आप फाइंड आउट करो आपको प्रीवियस ईयर जो भी वोकैबुलरी पूछा है उसके PDF आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. तो इसी तरीके से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idiom एंड फ्रेजेस, तो इनके जो PDF थे वो मैंने डाउनलोड करे और उन्हें मैं रेगुलर बेसिस पे मैं उन्हें रीड करता था. और सिर्फ रीड नहीं करता था, अगर कोई मेरे आंसर्स को भी चेकआउट करेगा कोरा पे, तो मैं उन जो भी वोकैबुलरी में वर्ड सीखता था मैं उन्हें अप्लाई करता था. क्योंकि एक तरीका है, अगर आप चीज़ों को एप्लीकेशन उनका नहीं समझोगे तो आप उन्हें एक लॉन्गर टर्म के लिए मेमोराइज या याद करके आप नहीं रख सकते, ये मेरा मान. तो मैंने यही चीज़ सीखा है, मेरे को ये जर्नी में मेरे को काफ़ी हेल्प करे. इवन आज भी अगर मैं कुछ वर्ड्स देखता हूँ तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड में उसका मीनिंग रहता है कि अगर चार ऑप्शन है तो मेरे को इतना अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैं अगर कोई उसमें ऑप्शन टिक करूंगा तो वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो करेक्ट रहेगा. और इसके पीछे मैं अपनी स्ट्रैटेजी को काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं बताऊंगा कि आप ये करके देखेंगे तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. आपको सिर्फ वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर पेपर से रिवाइज नहीं करना है, उसे सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, आप उसे कैसे न कैसे करके कोशिश करो कि आप रेगुलर लाइफ में उसको अप्लाई करो. सिंपल है, अगर आप डेली बेसिस पे अपना एक डायरी लिखते हो, कैसे जैसे किसी किसी लोगों को हैबिट होता है कि पूरे दिन में उन्होंने क्या करा उस चीज़ को रात के टाइम पे लिखना, या सिंपल है आपको कोई भी चीज़ स्ट्रैटेजी बनानी है आगे क्या करना है कल क्या करना है, उस चीज़ को अगर आप लिख रहे हो बना रहे हो तो कोशिश करो कि जो आपने वर्ड सीखे उन्हें कैसे न कैसे करके अप्लाई करने की कोशिश करो. अगर आप अप्लाई करोगे तो उन्हें लंबे टाइम तक याद रखना काफ़ी आपके लिए ईजियर रह पाएगा. आगे बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए मैंने एक प्लेन टू पैरामाउंट करके बुक आती है नीतू सिंह की, नीतू मैम की, तो उसके जो स्टार्टिंग के 15 चैप्टर्स हैं ऑफ वॉल्यूम 1, उसमें बेसिकली जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन्हें काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कराए गए. तो मैंने वहाँ से करा, मैंने उनके बुक परचेज करा था और मैंने उनकी जो बुक है उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा है. मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने ये वाला बुक भी ले लिया, दूसरे बुक भी ले लिया, एस पी बख्शी भी ले लिया या दूसरी बुक, इस तरीके से ना करके अगर आप एक सिंगल बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे उसे पूरा समझकर, उसके आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो जो आपको डाउट्स आते हैं तो उसे इनसर्कल करो, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम उसे रिवाइज कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो कि जो आपने पहले मिस्टेक करा था वो चीज़ें रिपीट ना. क्योंकि एक जो हम कहते हैं, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ तो उसमें हमारी जो प्रोग्रेस देखी जाती है वो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग से सर जज होती है, कि वीक आफ्टर वीक हम कितना, मतलब इवन इफ आई एम बेंचिंग 80 kgs फॉर दिस वीक, अगर मैं नेक्स्ट वीक उसे 82.5 करूं, उसके नेक्स्ट वीक अगर मैं 85 kg करूं, तो उसे प्रोग्रेस समझा जाता है. इसी तरीके से मैं इसी चीज को, इसी मतलब ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैंने अप्लाई करे, मतलब बॉडी बिल्डिंग से अपने प्रिपरेशन में. कहते हैं कि आपको मतलब कोई चीज कैसे हेल्प करते है कैसे नहीं, तो ऐसी बहुत सारी लाइफ में चीजें रही हैं जिनको मैंने एप्लीकेशन अपनी जर्नी में होते हुए देखा है. और वही जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम बॉडी बिल्डिंग में कहते हैं, उस चीज़ को मैंने देखा है कि हाँ वो जर्नी के टाइम पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. जब हम देखते हैं कि हाँ मेरा इस बार स्कोर अगर 41 रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैंने और अच्छे से रिवाइज करा, प्रॉपर उनको जितना टाइम देना चाहिए था वो दिया, तो मेरा स्कोर 41 से 43 गया, 44 गया, 45 गया, एंड फाइनली जब मेरा प्रीलिम्स हुआ था CPO का भी, तो आई एंडेड अप स्कोरिंग 47.5 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन माई प्रीलिम्स. So that is all about my strategy for all four sections. इसके लिए जो time का part रहते हैं उसको देखो, उस पर subjectivity रहती है. Subjectivity कैसे, अब मैं अपने case में बताऊँ तो मेरी जो English मेरे को cover करने में जो भी मैंने तरीके बताए थे ना उसमें इतना ज़्यादा time नहीं जाता था. मैं 15 minutes to 30 minutes तक English में vocabulary revise करता था. फिर मैंने 30 minutes के around अगर मैंने grammar का कोई section देख लिया तो वो उसमें चला गया, और मैं कुछ 45 मिनट्स के अराउंड जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर रहता था वो रीड करता था. तो ऑल इन ऑल 1.5 आवर में मेरा इंग्लिश हो जाता था. रीजनिंग का जैसे मैंने बताया, मॉक्स में कर रहा हूँ तो मॉक्स में इट हार्डली टेक्स 25 to 30 minutes, तो उसमें वो हो गया, और उस पर एनालिसिस हो गई तो 40-50 मिनट्स में मेरा रीजनिंग सेक्शन हो जाता था.
जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें सिंस हमें टॉपिक वाइज चीजें कवर करनी है तो उसका अलग स्केड्यूल रहता था कि मेरे को आज के टाइम पे क्या क्या टॉपिक्स हैं वो कवर करने। बेसिकली मेरे को लगता था जहां पर मैं सबसे ज्यादा लैक कर रहा हूँ वो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहां पर मैंने काफी ज्यादा टाइम दिया और वहां से मेरे को रिजल्ट्स भी मिले। तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग 2 to 3 hours अगर आप स्टार्टिंग से देते हुए चलते हैं दैट टू कंसिस्टेंटली तो आप 4 to 6 months के अंदर पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं और वो अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प भी करेगा, ये मेरा मानना। राइट, सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड आयुष। आई डोंट थिंक यू हैव लेफ्ट एनीथिंग जो मैं और पूछूं क्योंकि तुमने सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम क्रमबद्ध तरीके से एकदम बहुत अच्छे से तुमने समझा दिया है। सारी बातें आई थिंक कवर हो गई, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है जो मैं तुमसे और पूछू। और हाँ, बस एक चीज बात बता दूं, इंग्लिश में आपने बुक बता दी, आप ना और बाकी सब्जेक्ट्स की एक बार बुक लिस्ट बता दो इनको। और एक चीज और आप बता दो, जो आपने पीडीएफ बोला ना, अभी होगा क्या कि तुम्हारे और मेरे इनबॉक्स से लोग भरने वाले हैं कि सर वो पीडीएफ भेज देना जो भैया ने बोली थी, तो आप वो पीडीएफ की जगह ना आप बुक से ही सजेस्ट कर दो, क्योंकि आई नो कि वो पीडीएफ में और बुक में कुछ अलग नहीं होने वाला। तो आप वो कुछ नहीं होता, आप बोल दो ना कि वो बुक से ही करना है, नहीं तो ये सब मेरे इनबॉक्स में आने वाले हैं कि वो पीडीएफ वो वाली पीडीएफ नहीं, स्पेसिफिकली वही वाली चाहिए। समझ गए सर वो पीडीएफ वाला कंफ्यूजन दूर कर देना। ओके सर सो मेरा जो मेन जो बुकलेस वाला सेक्शन अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव सेक्शन जो मेरा था वो मैंने अभिनय सर से कंप्लीट करा। तो अभिनय सर ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो नोट्स हमें प्रिपेयर कराते थे, तो जो मेरे रजिस्टर्स थे उन्हें मैं रिवाइज करता था कभी भी मेरे को कॉन्सेप्ट्स अगर अपने रिवाइज करने। उसके अलावा अभिनय सर ने अपना जो एक प्रैक्टिस शीट्स रहते थे वो हमें प्रोवाइड करते थे, एक बुकलेट टाइप रहता था, तो उसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। उसके अलावा मॉक्स रहता था, मॉक्स में जो क्वेश्चंस है उन्हें मैंने रिवाइज करा। मॉक्स आप कोई भी ले सकते हैं आज के टाइम पे, इतने सारे प्लेटफॉर्म से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें रीजनिंग के लिए मैंने स्पेसिफिक कोई भी बुक मैंने यूज नहीं करा, वो मैंने प्योरली जो भी मॉक्स में क्वेश्चंस रहते थे सिर्फ उन्हें ही रिपीटेडली मैंने सॉल्व करा। अगेन जीएस में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सीडीएस का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ, तो वी हैड टू फोकस ऑन एनसीईआरटीज। तो मेरे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक 11, 12 की एनसीईआरटीज थी, तो मैं इनके ऊपर फोकस करता था। बाकी आप 8, 9, 10th की भी अगर एनसीईआरटीज कर लेते हैं ऑफ ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, तो वो भी आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे अच्छी तरीके से जीएस के सेक्शन को कवर करने में। इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की जो बुक रहता है Volume 1 वो अच्छा रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, मैं किसी बुक को गलत नहीं कर रहा, जो भी बुक आप कर रहे हैं मेरा कहने का मतलब यह है आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ओके, एंड कमिंग टू वोकैबुलरी पार्ट, वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर के जो वोकैब्स रहते हैं वो आज के टाइम पे उनकी बेसिक जो कंपाइलेशन होते हैं वो आपको बुक्स में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बुक करके एक वोकैबुलरी का बुक आता है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। या अगर आपके पास एसपी बख्शी भी अवेलेबल है, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं प्रीवियस ईयर खत्म कर चुका था, कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे को चाहता था कि मैं और कुछ वर्ड्स को भी फोकस करूं। इसके लिए मैं एक और बुक आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर कॉलेज और फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, आपको पता है कि अभी तो 2-3 साल है, तो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम वर्ड पार मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। वो बहुत अच्छी बुक है, वो एक ऐसी बुक मैं कहना चाहूंगा कि वो आपके स्क्रैच से सिर्फ वोकैबुलरी नहीं, आपके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप उसे स्क्रैच से कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब फायदेमंद होने वाला है आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी की प्रिपरेशन में। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कोई भी जैसे मार्केट में जो वोकैबुलरी का कंपाइलेशन होता है लाइक ब्लैक बुक में जो गिवन है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, उनके मल्टीपल रिविजन करिए। एसपी बख्शी ने भी पीछे वोकैबुलरी का सेक्शन गिवन है, synonyms, antonyms, idioms and phrases, word, one word substitution. आप उन्हें कवर करेंगे तो that too will definitely help. तो ये चारों जो सब्जेक्ट हैं उनका एक बुक लिस्ट रहेगा। वर्ड पावर मेड इजी जो भैया ने बताई है, ये मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसी चैनल पे 20-25 वीडियोस हैं, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं, आप देख सकते हो और वीडियो से भी कवर कर सकते हो। बट आई वुड ऑल्सो हाईली रिकमेंड कि आप बुक भी खरीदो, क्योंकि बुक पढ़ोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। और इनकेस अगर बुक समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो से हेल्प ले लो, ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी वॉच देम, आप भी देख सकते हो, दैट विल श्योरली हेल्प बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, आपकी बहुत मदद करती है। बाकी सारी किताबें आयुष ने बताई दी है, ठीक है।
तो एंड बहुत अच्छी बातें बताई है सारी, क्योंकि मेरे पास जितने डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर देंगे, क्योंकि एक ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि वोकैबुलरी याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उसका भी तरीका बता दिया है, वो बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे ही करोगे तो नहीं होगा। और बाकी एक चीज मैं ये बताऊं कि ये जो भी बता रहे हैं ये बहुत ही लंबे समय का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो, ये साल भर का 1.5 साल की जो मेहनत है वो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर कर रहे हैं, तो इसको यूटिलाइज करो, और ऐसे मत सोचना कि ये मतलब एक दिन में हो गया, एक दिन में नहीं हुआ है, लंबे समय का पूरा एक्सपीरियंस है और सारे ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, अब बात कर लेते हैं फिजिकल की, एक एक बात करना, पहले मुझे बताना फिजिकल में क्या क्या होता है, ठीक है, कितनी दौड़ होती है, कितनी ऊंची कूद, कितनी लंबी कूद, और कितने समय में तैयारी हो जाती है बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए, कैसे, मतलब मुझे बहुत टफ लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए, मैं कभी फिजिकली एक्टिव नहीं रहा, मतलब मैं जब तक मेरा जॉब वॉब नहीं लगा था उसके पहले आई वॉज वेरी लीन, उसके बाद मैंने जिम विम शुरू किया और उसके बाद अब थोड़ा फिजिकली एक्टिव हूँ, आप जिम विम कर लेते हैं अभी उतना दिक्कत नहीं है, बट जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे लिए फिजिकल कुछ भी करना बहुत मुश्किल काम था, तो वो बताओ उसके लिए क्या करना होता है, मतलब कितनी मेहनत लगती है और कितने समय में हो जाता है एक ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं है मेरे जैसा आलसी। श्योर सर, तो सर अगर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल के बारे में, अगर मैं बताऊं तो टोटल वहां पर 5 इवेंट्स रहेंगे जिसमें आपको क्वालिफाई करने, मैं इस चीज के ऊपर फिर से कह रहा हूँ, आपको सिर्फ क्वालिफाई करने, वहां पर कोई मार्क्स नहीं रहते। स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आप जब सबसे पहले जाएंगे तो यू विल बी अलॉटेड योर चेस नंबर्स, जैसे जैसे आप वहां पर आते रहेंगे तो उस चेस नंबर के हिसाब से दे विल कॉल यू, 2020 के अराउंड ग्रुप बनते हैं, और सबसे पहला जो आपका इवेंट रहेगा उस इवेंट में आपको 1600 मीटर का जो रेस रहता है विच इज 1 माइल्स वो आपको कवर करना पड़ता है इन 6.5 मिनट्स, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर का जो रेस है वो कंप्लीट करना होता है। तो इसमें जो 6.5 मिनट से पहले कर पाते हैं उन्हें मौका मिलता है वो आगे के जितने भी इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रहते हैं, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो इस 1600 मीटर के रेस में ही आउट हो जाते हैं, लगभग लगभग 80-90% मैंने अपने सामने देखा है सारे के सारे कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की जो रेस है वो ना क्वालिफाई करते हैं। और सिर्फ हर एक ग्रुप में जहां पर मैं था तो 20-20 के जो ग्रुप रहता था, टोटल 3 ग्रुप वहां पर बुलाए थे, तो हार्डली नेक्स्ट राउंड में जो क्वालिफाई हुए थे वो कुछ 20-25 ही लोग थे आउट ऑफ टोटल 60 कैंडिडेट्स हु रिपोर्टेड ऑन दैट डे। तो 1600 मीटर का रेस है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट, जैसे हमारा 1600 मीटर का रेस होता है तो कुछ 10-15 मिनट्स का बीच में रेस रहता है, हमारे केस में तो इतना रहता, वो कभी कभी डिफर करता है, कभी आपको ज्यादा रेस भी दे दिया जाता है, तो उसके बाद वो खैर सब्जेक्टिव है, वो हर किसी केस में अलग मैटर करेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट रहता है वो रहता है 100 मीटर का रेस विच यू हैव टू कम्प्लीट इन 16 सेकेंड्स। और ये चीज मैं बता देता हूँ, जो 1600 मीटर का रेस कंप्लीट करके आ रहे मोर ऑर लेस सबके सब वो 100 मीटर का जो रेस रहता है 16 सेकंड में वो कंप्लीट कर ही लेते हैं, उसमें ज्यादा कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं आते। ये चीज मैंने भी देखा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिसने 1600 मीटर क्वालिफाई करा लगभग सबके सभी 100% उसमें क्वालिफाइंग रेट रहते हैं, हर कोई 100 मीटर का रेस क्वालिफाई कर लेता है 16 सेकंड्स में। नेक्स्ट जो इवेंट हमारा हुआ था वो रहा था लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप के अंदर जो सब इंस्पेक्टर्स के लिए लेवल रहते हैं तो उसमें 12 फीट का लॉन्ग जंप रहते हैं वो आपको करना होते हैं, उसके लिए वो आपको वहां पर 3 अटेम्प्ट्स टोटल देते हैं, इन केस यू फेल इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप सेकंड के लिए जा सकते हो, लेकिन 3 से ऊपर अटेम्प्ट्स वहां पर नहीं मिलते आपको। इन 3 अटेम्प्ट्स में किसी भी एक अटेम्प्ट में अगर आप 12 फीट का जो वहां पर पैरामीटर्स है उसे आप क्रॉस कर लेते हो देन यू आर क्वालिफाइड टू अपीयर इन द नेक्स्ट इवेंट। और इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट रहता है वो रहता है हाई जंप का। हाई जंप में मैं श्योर नहीं हूँ बट मे बी वो 4 फीट के अराउंड रहते हैं, 4 फीट इन हाइट टोटल, 4 to 4.5 फीट रहते हैं, तो उसे पूरा आपको क्रॉस करके जो बार रहते हैं उसको दूसरी साइड पे जाना रहता है। उसके लिए मेरे को लगता है कि सारे जितने, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी इवेंट्स है मेरे को जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया मेरे को सिर्फ और सिर्फ हाई जंप में ही आया था। लास्ट जो रहता है इवेंट इसमें वो रहता है शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट में 7 to 7.5 kg का आपके पास हाथ में हैंड बॉल रहता है, उसको आपको फेंकना होता है और वो भी काफ़ी इजी रहता है, उसमें इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। बेसिकली वो आपके बस वहाँ पर हाथ का जो एंगल है वो ही देख रहे हैं और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन रेट रहता है वो 100% रहता है।
अब अगर मैं इनकी सबकी प्रैक्टिस की बात करूं, जो सबसे मेजर पार्ट रहेगा, तो देखिए मैं अपने अगर बारे में बात करूं, तो मैंने क्लास 9-10 में मैं क्रिकेट कोचिंग करता था, तो उस टाइम पे जो मेरा स्टैमिना लेवल था वो अच्छा था, लेकिन जैसे 11-12 में आते हैं तो वही है, जैसे पेरेंट्स का थोड़ा सा फोकस फिर वही रहता है कि आपको अकेडमिक्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ जो हम दिल्ली में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे साथ काफ़ी सब लोग जो देख रहे हैं वो रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो इतना क्रेज़ है स्पोर्ट्स को लेकर वो इतना नहीं है। दिल्ली में पेरेंट्स का क्या रहता है कि आपने अगर 10th कर लिया है, आप 11-12 में जो एक अच्छा, मतलब यहाँ तो ये भी रहता है कि साइंस आप लो या कॉमर्स विद मैथ्स लो, ऐसे स्ट्रीम्स लो, सो दैट आपको आगे अपने करियर बिल्ड करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो उस टाइम पे मेरे साथ एक एकेडमिक एक्सपेक्टेशन रही थी, तो उसकी वजह से मेरे को जो क्रिकेट कोचिंग था वो ड्रॉप करना पड़ा था, क्रिकेट मैंने वहीं पर ही छोड़ दिया। फिर 11-12 के बाद अगर मैं बात करूँ, जब मैं 12th पास आउट करता हूँ, तो उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा अपना जो पार्ट था वो टाइम डिवोट करना स्टार्ट करा। उसकी वजह से हुआ क्या, मेरी बॉडी में स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, जो मेरे को फील हुआ जब मैंने फिजिकल का फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करा, वहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगा। फिजिकल की बात करें तो जब रेस करने की बात आई, तो उस टाइम पे मेरा जो बॉडी वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, आई वॉज समवेयर अराउंड 82 kgs दैट टाइम जब मैंने फिजिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। फिजिकल की ट्रेनिंग को अगर मैं बात करूँ आप कितने टाइम में टोटल कर सकते हैं, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते, सारी चीज़ें अगर अच्छे से चलती हैं, इफ़ यू आर एबल टू फोकस ऑन योर डाइट, डाइट अच्छा रख पाते हैं, एक आपके साथ कोई एक पार्टनर है जो आपको कॉन्टीन्यूसली पुश करते हैं। मेरे केस में आई वॉज लकी कि मेरे केस में मेरे फ्रेंड थे रॉबिन, उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, वो उन्होंने मेरे को हेल्प करा कि मैं फिजिकल के लिए जो प्रैक्टिस है वो करूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया लास्ट टाइम जब मैंने रनिंग करी थी तो वो क्लास 10th में करी थी, उसके बाद डायरेक्टली मैं रनिंग कर रहा था 2020 के अंदर, और क्लास 10th मेरी हुई थी 2012 की, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं 8 साल का सीधा सीधा पूरा गैप था। तो जब मैं 2020 में रनिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने वाला हूँ, और वो चीज़ मैंने फील भी करी, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी। और उस टाइम पर मैं बात करूँ, मेरा जैसे बॉडी वेट बताया वो काफ़ी ज़्यादा था, बॉडी में स्टिफनेस थी क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग उस टाइम पे करता था, तो इस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रही। बट जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आप एक बेसिक, आपके साथ एक पार्टनर है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो जो मेरे पार्टनर थे एक्चुअली वो इंडियन एयरफोर्स में थे, वहाँ से रिटायर हुए, तो उनका वॉलेंटरी रिटायरमेंट हुआ था, बट ही केम बैक और उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, वो ट्रेनिंग करके आए थे, तो ही हैड एन एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को पुश करते हो, और उनकी उस जर्नी ने मेरी फिजिकल की जर्नी को इजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। स्टार्टिंग में तो हमने चालू करा कि हम थोड़ा एंड्योरेंस के ऊपर फोकस करें, एंड्योरेंस पर्टिकुलरली आपको स्टैमिना इंक्रीज करना होता है सो दैट आप लॉन्गर इवेंट के लिए रन कर सको। मुझे अभी भी अपना फर्स्ट डे याद है जब मैं रनिंग के लिए निकला था, तो आई कुड हार्डली रन फॉर 2.7 किलोमीटर, और वो 2.7 किलोमीटर भागने में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, और उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे पता था कि आगे के जो जर्नी है, क्योंकि हमने सितंबर में स्टार्ट करा था, और सितंबर से अगर मैं बताऊँ तो कुछ दिसंबर में जाकर हमारा फाइनल जो फिजिकल था वो स्केड्यूल्ड था, तो आई हैड ओनली 3 months इन माई हैंड, सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड नवम्बर। 9th of December पर मेरा जो फिजिकल था वो स्केड्यूल्ड था। अब ये चीज़ क्लियर थी कि मेरे को इस पूरा जो टाइम है, ये जो पूरा पीरियड ऑफ 3 months, उसमें मेरे को अपने एंड्योरेंस पे भी काम करना है, वेट भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपके अभी पीछे बताया कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हाई जंप में आया, और जंप आपकी तभी हो पाएगी जब आपका वेट, जो बॉडी वेट है वो कम होगा, वरना बॉडी को ऊपर पुश करना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो चीज़ मैंने फील भी करी। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है, पूरी जर्नी स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ट्रैक करके चलना पड़ेगा। इफ़ यू आर ओवरवेट तो आप डेली बेसिस पे हर 2-3 दिन में आप अपना वेट को, बॉडी वेट को ट्रैक करो, क्योंकि एट द एंड आपको वो ही चीज़ मोटिवेट करेगा कि हाँ आज मैं 82 kgs का था तो मेरा 1 week बाद 81 kgs वेट हो पाया। ये चीज़ को अगर आप डायरेक्टली ऑन डेली बेसिस पे ट्रैक करते चलोगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
ये छोटी छोटी चीजें होती जो आपको फिजिकल की जर्नी में हेल्प करेंगे। अब आप करना चाहें बिना ट्रैक करे भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो मोटिवेशन वाला लेवल रहता है जो बीच में हम हर एक कैंडिडेट देखते हैं कि लैक करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक बुक है या आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उन नंबर्स को जब नीचे जाते हुए देखोगे, या अगर आप अपने पेस को रिकॉर्ड कर रहे हो कि हाँ आज मैंने 1600 मीटर ट्राई करा लेकिन मेरे को टोटल 8 मिनट्स लगा, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट वीक करा तो यही मेरा 7 मिनट्स 40 सेकंड में हो गया, उसके नेक्स्ट वीक करा तो आई कुड अटेम्प्ट 1 किलोमीटर 600 मीटर इन 7 मिनट्स 30 सेकंड। तो इन सब चीजों को अगर आप ट्रैक बनाकर चलोगे तो ये एक डिसिप्लिन मैनर में आप अपनी जर्नी को आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। अब जो फिजिकल में मेरी जर्नी रही थी वो यही रही कि बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से फोकस करा 1600 मीटर पे, क्योंकि मेरे माइंड में दो गोल थे, एंड्योरेंस लेवल और अपने वेट को एक जो रेंज है उसमें लेकर आना, सो दैट मैं अदर इवेंट्स में भी अच्छा कर सकूं। दूसरे इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया 100 मीटर, तो अगर आप 1600 मीटर का जो रेस है वो 6.5 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहे तो इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप 100 मिनट 16 सेकंड्स में इजिली कर लेंगे, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम फिर नहीं रहता। बाकी के जो 3 इवेंट्स रहते हैं उसको लिए मैंने स्टार्टिंग से तो उसके ऊपर फोकस नहीं करा, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में मेरा गोल था एंड्योरेंस लेवल अपना बेटर करना और वेट रिड्यूस करना, तभी मैं हाई जंप कर सकता था, लॉन्ग जंप कर सकता था। अदरवाइज अगर मैं ये चीजें पहले से स्टार्ट कर देता, बॉडी वेट पहले ही बहुत ज्यादा था, मेरी बॉडी अगर लैंड होती मेरे जॉइंट्स की मेरे को प्रॉब्लम हो सकता था या कोई इंजरी भी रह सकती थी। तो इस चीज में मैं सबसे ज्यादा जो एक क्रेडिट देता हूँ तो जो मेरे भैया रहे रॉबिन भैया, मैं उन्हें ही देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं स्टार्टिंग में शायद ये चीजों को लेकर चलता और शायद मेरे को इंजरी हो सकती थी और वो चीज मेरे को शायद आगे प्रोग्रेस में काफी हैम्पर करती। तो ये सारी चीजें मैं तभी आपको बार बार ये चीज एडवाइस कर रहा हूँ कि एक पार्टनर हो, एक गाइडेंस अगर आपके पास है फिजिकल की प्रैक्टिस करते हुए, और अगर एक आप राइट पाथ चूज करते हो, राइट डायरेक्शन में जाते हो, डिसिप्लिन मैनर में चलते हो, चीजों को ट्रैक करते चलते हो, रिकॉर्ड बनाते चलते हो, तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। बाकी तो जो प्रैक्टिस है वो आप हर कोई जानते ही है कि आपको एंड्योरेंस के लिए रनिंग करना है, आगे ही अगर 1 मंथ रह जाता है फिजिकल की डेट से पहले तो आप उस टाइम पे लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इजिली आप फिजिकल वाले डे पे इन सारे इवेंट्स को इजिली क्वालिफाई भी कर पाएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए स्ट्रैटेजी रहेगी फिजिकल के लिए। देखो मैं इस बात से आपकी पूरी तरीके से एग्री कर रहा हूँ कि जो आपने बताया कि आपके साथ में वो भैया थे और उनका बहुत बड़ा रोल है, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एसएससी सीपीओ की तैयारी करी और फिर टीयर वन निकाली है। क्योंकि देखो इसका जितना मेरा नॉलेज है टीयर जो रिटन है वो निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना सीजीएल का है, क्योंकि सीजीएल में फियर्स कॉम्पिटिशन और सब कुछ उसी के ऊपर है। यहाँ पे आपने खुद बताया कि 1/3 कॉम्पिटिशन वो पहली रनिंग में आउट हो जाता है, क्योंकि वो सब के सब मेरे जैसे लड़के होते हैं जिन्होंने कभी कुछ दौड़ा वौड़ा नहीं होता है, वो मौज मौज में सीपीओ का पेपर भरते हैं और वो सोचते हैं निकाल ही लेंगे, देख ही आते हैं हो गया, तो वो बस उस टाइप से जाते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल इसका अच्छा होता है। तो जो आप बता रहे हो उसमें मतलब मैं ऐसे दो लोगों को जानता हूँ, मेरे ऐसे दोस्त भी है कि वो हो गया उसका टीयर वन फिजिकल की उसने तैयारी शुरू करी, जब आपने बताया हाई जंप की प्रैक्टिस की और इंजरी हो गई और वो इंजरी 2-3 महीने चली और उस टाइम पे भी जाके उसका कुछ नहीं हो पाया, वो रीजन वो होता है। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि गाइडेंस लेके करो, प्रॉपर गाइडेंस लेकर करो, और प्रॉपर गाइडेंस में भी इन्होंने जो शुरुआत बात बताई ना वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, उतना ही अगर उतना भी कर लोगे तो हो जाएगा, कि पहले वेट कम करो और धीरे धीरे एंड्योरेंस ट्रेनिंग करो। पहले दिन में खलीफा नहीं बनना होता है, बहुत सिंपल सा रूल है जिम का, ये सिंपल सा रूल है कि भाई पहले दिन में जाके आप उठाओगे ज्यादा वेट्स, इंजरी करके चले आओगे, दूसरे दिन से जिम बंद। तो इसलिए पहले दिन जाओ, बहुत छोटे छोटे वेट्स उठाओ, धीरे 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 जब तुम वेट्स उठाने लगोगे तो ऑटोमेटिक एक दिन 100 किलो भी उठेगा, बट पहले कम से कम 2.5 किलो उठाओ। तो वही चीज है, अभी जैसे मैं अभी बिल्कुल नहीं दौड़ता हूँ, तो अगर मैं कल से दौड़ना शुरू करूँ तो मैं पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, अगले 5 महीने नहीं दौड़ूंगा। तो धीरे धीरे होता है, फिजिकल में आपका बहुत टाइम लगता है, ये दिमाग वाला खेल नहीं है यहाँ पे, कि दिमाग नहीं है कि आज ही मैंने 100 सवाल लगा दिए, उसमें भी मत करो वो चीज, उससे भी करोगे तो अगले दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बट सेम चीज है कि जो बताइए उसको बहुत ध्यान से समझो, और बहुत एकदम परफेक्ट बात बता रहे हैं कि ऐसे प्रिपरेशन करोगे। और हाँ ये मैं भी कहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो आसपास कोई फौज वौज वाला बंदा ढूंढ लो, वो तुमको अच्छे से ट्रेनिंग करा देगा, क्योंकि उसने जिंदगी भर किया होता है, ठीक है, तो वो तुमको अच्छे से करा देगा,
और उसको मजा भी आता है वो सब करने में, तो उसको कोई इतना लोड भी नहीं होगा, वो खुद नहीं करेगा तुमको करा देगा, लेकिन एंड ही रियली प्लेज अ लॉट ऑफ रोल, बहुत सही सारी चीजें बताए। तो बेसिकली मुझे जितना समझ आया वो ये कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो वो रनिंग की करते हो, डाइट वाइट पे ध्यान देते हो और एंड्योरेंस बढ़ाते हो, जो आपका ये जो आप बता रहे हो शॉर्ट पुट और हाई जंप लॉन्ग जंप, ये लास्ट के एक महीने में करते हैं तो हो जाता है। यस सर। ओके, सो बेसिकली पहले रनिंग से शुरू करो। आई वुड से कि अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर ही रहे हो, अगर आपका टारगेट यही है, तो यार रनिंग पहले से ही करते रहो, उस दिन की वेट मत करो कि जब आपका रिटर्न हो जाएगा और तब आप तीन महीने में तैयारी करोगे, वो मत करो, क्योंकि फिर ना प्रेशर, दिमाग पे भी एक प्रेशर होता है कि यार करना ही है इतने दिन में, तो बेहतर है कि पहले थोड़ी, मतलब एकदम ऐसे मत करो कि 5-5 किलोमीटर दौड़ो, बट थोड़ा बहुत करते रहो, फिजिकली एक्टिव रहो एटलीस्ट, तो बॉडी विल बी एजाइल और वेट वेट भी सब कंट्रोल में रहेगा, एकदम से वो नहीं होगा। तो अगर आपको ये एग्जाम निकालना तो थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहो, दैट विल श्योरली हेल्प यू, या फिर कोई स्पोर्ट्स गेम खेल लो, वो भी ज्यादा सही, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन वगैरह मत खेलो, उसमें उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हो। और ठीक है, फिजिकल की बात होगी, इसके बाद टीयर टू आता है, उसमें इंग्लिश के लिए आप कैसे प्रिपेयर, उसको शॉर्ट में ही बता देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई की बात पहले डिटेल में कर ली है, तो एक बार ही टीयर टू के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए सर। टीयर टू जो रहते हैं उसमें जो स्पेसिफिकली अब 200 मार्क्स का इंग्लिश ही रहने वाला है। अब अगर सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना है तो इसमें हम लोगों को पता है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं देखकर चलूं, क्योंकि कंपटीशन को माइंड में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप कंपटीशन को माइंड में रखो तो इंग्लिश को देखते हैं तो आज के टाइम पे हर कोई 160 के राउंड तो एक एवरेज स्कोर कर ही लेता है, 150 टू 160 तो हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में स्कोर कर रहा है। अब जो मेजर फाइट स्टार्ट होती है टू गेट योर डिजायर्ड पोस्ट, जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम फिल कर रहे हैं, अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए तो आप अभी देख लीजिए कि आपको कम से कम 180 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिशन है वो कट थ्रोट है, वो हर कोई जानता है। सीपीओ में भी अगर हम बात करें तो 8 से 9 लाख बच्चे अपियर होते हैं, अपियर नहीं मतलब कि एग्जाम उसका रजिस्टर करते हैं। अपेयर होना एक अलग चीज है, लेकिन हाँ एट द एंड आपके पास एक काफी अच्छा कंपटीशन रहने वाला। और दूसरी चीज, ये इंग्लिश एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप थोड़े एफर्ट्स करते हैं तो आप काफी एक अच्छा मार्जिन भी ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट से। जैसे मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर जो एवरेज स्कोर रहता है वो 150-160 के बीच में सिमट के रह जाता है, उसके ऊपर जो स्कोर है वो आपकी फर्दर रैंक डिसाइड करने वाला है, वो आपके जो डिजायर्ड पोस्ट है उसकी तरफ आपको ले जाने वाला। अब इसका जो प्रिपरेशन रहेगा वो कुछ नहीं, जो आपने टायर वन में ही करा उसी को बस आपको रिवाइज करना है। जैसे मैंने आपके लिए तीनों पार्ट बताए थे कि किस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो कर सकते हैं, आप वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप ग्रामर को कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें एकदम सेम ही पैटर्न पे चलेंगी। आपको उनकी मल्टीपल टाइम्स रिविजन करनी है, ये चीज देखना है कि आप रीडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के टाइम पे मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स देखे हैं जो साथ में प्रिपेयर करते थे, उनका सबसे पहले एक क्वेश्चन यही रहता था कि यार इंग्लिश में 2 घंटे बैठा नहीं जाता। इंग्लिश का पेपर करते टाइम जब हम बैठते तो 2 घंटे बैठा नहीं जाता, बीच में उठ जाते हैं, हट जाते हैं, मन नहीं करता, क्योंकि इतना सारा पढ़ना पड़ता है वहां पर, कम से कम 800, 900, 1000, 1200 वर्ड आपको पढ़ने हैं पूरे के पूरे पेपर के अंदर, 5-6 आपके पैसेज रहने वाले हैं, पैरा जंबल्स रहते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको बैठ के पढ़ना, कॉम्प्रीहेंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एट द एंड ये चीज मैंने बहुत ज्यादा अपने केस में देखी, क्योंकि मेरी रीडिंग के ऊपर काफी अच्छी कमांड थी, मैं चीजों को एक बार में पढ़ के इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाता था, तो मेरे पास लास्ट में रिविजन का टाइम काफी ज्यादा बच जाता था। अब पीछे जो कुछ ईयर से हो रहा है, 1-2 साल से मैं जो देख रहा हूँ सीजीएल में, ये लोग जब से टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराना स्टार्ट करें तो जो पैरा जंबल्स है उसको उनका थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज करा, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ए और ई स्टेटमेंट वो बीच में ऊपर और नीचे फिक्स कर देते हैं, बीच में वो 4 जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें शफल करके आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 4 ABCD देकर इजिली आप पैरा जंबल्स को कर सकते हो, अब आपके पास अच्छे लेवल का पैरा जंबल्स आ रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा बात क्या आकर अटकती है कि आपका कॉम्प्रीहेंशन का जो लेवल है वो कैसे है। अगर आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे तो आप एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना सीखते हो कि आपका जो सेंटेंस का ये वाला पार्ट है वो कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, ये वाला पार्ट कैसे प्लेस होना चाहिए, सो दैट आगे वाले को वो रिलेट कर सके। और ये चीज आप सीखेंगे एक पूरी जो आपकी रीडिंग की जो जर्नी है, कॉम्प्रीहेंशन की जो जर्नी है उससे।
और जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश का पूरा पेपर 200 मार्क्स का रहने वाला है, तो आपको 2 घंटे सिटिंग के जो हैबिट बनाना वो ही एक काफी डिफिकल्ट जॉब हो जाता है। ये चीज मैं अपने फ्रेंड्स के केस में काफी ज्यादा देखा है। स्ट्रैटेजी पूरा सिमिलर रहेगा, बस एक जो चेंज रहता है वो चेंज रहता है मॉक्स में। मॉक्स मैं अपने केस में बताऊं तो मैंने प्रीवियस ईयर और जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के जो मॉक्स होते हैं वो मिलाकर कुछ 40-50 मॉक्स लगाए थे और उससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुई। मतलब इंग्लिश का अगर मेंस आपको देना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स जो ग्रामर है उसको रिवाइज करना है, वोकैबुलरी को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलना है, जो प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं या जो एसपी बख्शी में मेरे को काफी अच्छा लगा उनका जो पीछे वोकैबुलरी का सेक्शन है आप उसे कवर कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन तो आपको करके ही चलना है क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन वाला ही पार्ट है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स आपके एग्जाम डे पे आपको देगा, जिसमें आप रिविजन में कुछ क्वेश्चन अगर आपके रह गए हैं, स्किप हो गए हैं तो आप उन्हें कर पाओ, या जिन्हें आपने मार्क करा है उनको आप एक रिविजिट कर पाओ, और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन आपने गलत मार्क कर दिया उसे आप करेक्ट करके ठीक कर सकते हो। इन सब चीजों की जो ग्रेविटी है वो आप अभी नहीं समझोगे, ये चीजें समझ आती हैं एग्जाम डे पे। वहां पर हम इतना ज्यादा थोड़ा सा डर जाते हैं, एक फियर बन जाता है कि हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो रहा है टाइमली, या हमारे पास टाइम बचा नहीं है, मैंने इतने क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं 30-40 क्वेश्चन। और ये चीज मैंने फील करा है इंग्लिश के पेपर में काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑप्शंस क्लोज होते हैं तो हम सिर्फ मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं कि इसे बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाद में देखने का टाइम बचेगा तब वो चीज पॉसिबल हो पाएगा ना। और वो चीज कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेटर हो। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल में एक इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करूंगा कि आप रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस दो, आप डेली बेसिस पे रीडिंग करो, और ये चीज आपको पूरी की पूरी जर्नी में जो इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ वो 180 प्लस का जो एक क्राइटेरिया वो स्कोर कराने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मैंने आज तक 2 मेंस दिए, मैंने CGL का मेंस दिया 2018 में, मैं मेंस आउट हो गया था एज आई कुडंट स्कोर वेल इन क्वांट सेक्शन, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे इंग्लिश में 194 स्कोर था। और जो CPO का जो मैंने मेरा मेंस हुआ था 2019 का, विच वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें जो मेरा इंग्लिश में जो रॉ स्कोर था इट वॉज 192.5। तो दोनों बार आई कुड क्रॉस द मार्क ऑफ 190। और इसके पीछे मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को क्रेडिट दूंगा तो वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल था और मल्टीपल रिविजन एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, मल्टीपल रिविजन। अगर आप ये तीनों चीजें रेगुलरली करते हैं, रिलीजियसली करते हैं, तो आप इजिली 180 प्लस 190 प्लस आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। और ये चीज आप जानते हैं, जिस दिन आपने 190 प्लस स्कोर करा तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके डिजायर्ड पोस्ट, सिर्फ CPO में नहीं, इन अदर एग्जाम एज वेल, जैसे CGL में भी आपका इंग्लिश का मेंस है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, एक एक मार्क्स से 0.5 मार्क्स से भी काफी ज्यादा जो रैंक्स होती हैं वो शिफ्ट हो जाती है। आप अगर वहां पर ये 1-1.5 नंबर भी किसी दूसरे से ज्यादा लाएंगे तो ये बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन कंपटीशन में जब हम देखते हैं तो ये हमें कम से कम 500-500, 400-400 बच्चों से आगे या पीछे कर देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप चीजों के ऊपर फोकस करें जो भी आपको बताइए, तो ही आप एक जो अच्छा स्कोर है वो कर पाएंगे और उससे आपको आपके डिजायर्ड पोस्ट 100% मिलेगी। देखिए बिल्कुल सही, बेसिकली पॉइंट ये है कि एवरेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एवरेज तो हर कोई ला रहा है, कॉम्पिटिशन है, यू विल हैव टू डू बेटर। ठीक है, पड़ोस वाले से जब बेहतर होगा तभी रैंक अच्छी आएगी, तभी जो चाहते हो वो मिलेगा, अदरवाइज फिर बाद में ये रोग या 2.5 नंबर और होता तो ये मिल जाता और वो मिल जाता और शायद सिलेक्शन हो जाता। तो बेहतर करना होगा, जैसे 190 प्लस की स्कोर करोगे तो अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने बताया कि वो इंग्लिश में मॉक टेस्ट में बैठने वाली, वो दिक्कत सबके साथ होती, मेरे साथ भी होती थी कि मैं मैथ्स के मॉक्स दे लेता था बहुत आराम से, 2 घंटे बैठ जाता था, आराम से 100 क्वेश्चन कर लेता था, इंग्लिश के मॉक्स नहीं बैठे जाता 2 घंटा। तो मैंने उसकी ट्रिक यही निकाली थी कि मैं इंग्लिश का मॉक 2 घंटे में ना देकर 1 घंटे में देता था। मेरा तरीका यही था, मैं 1 घंटे में इंग्लिश का मॉक खत्म करता था और उसके बाद बढ़ जाता था, क्योंकि अगला 1 घंटा मेरे से नहीं बैठा जाएगा। तो आप ये कर सकते हो, इससे आपका यही फायदा होगा कि आपके पास टाइम हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी मतलब मैंने इसको हल्के में बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से करो जिस तरीके से आपको सूट करे। ऑलराइट, ठीक है, इंग्लिश की बात हो गई, अब हम बात करेंगे मेडिकल की, क्योंकि मेडिकल इसका अच्छा खासा होता है। CGL के किसी पोस्ट के लिए बहुत ही टफ मेडिकल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। मेरे कुछ सवाल है, पहला सवाल तो मेरा यही है कि यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन, हालांकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि स्पेक्स आर नॉट अलाउड,
बट क्या चश्मे वाले लोग अलाउड हैं, और अगर मान लीजिए मेरे चश्मा लगा और मैंने लेसिक करा लिया तो क्या मैं इस पेपर, क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ? तो पहले इस चीज कंफ्यूजन को क्लियर कर दो, उसके बाद मेडिकल के बारे में डिटेल में बताओ क्या कुछ होता है। ओके तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी के स्पेक्स हैं तो वो स्ट्रिक्टली एज पर मेडिकल गाइडलाइंस वो अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेक्स पहन के वहां पर जाते हैं, आपका कुछ भी थोड़ा सा भी अगर नंबर है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप स्पेक्स पहन के जो वहां पर आईज पर जो टेस्ट होते हैं पर्टिकुलरली, जिसमें आपको कुछ लेटर्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, एक कुछ बुक्स होती हैं उनकी, उसमें काफी छोटा छोटा लेटर्स में लिखा होता है वो पढ़ाया जाता है। मतलब जो भी आपके टेस्ट आपके वहां पर होने वाले, आप ये चीज भूल जाइए कि आप स्पेक्स पहन के वो टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस में जैसे बताया मेंशनड है स्पेक्स आर नॉट अलाउड, तो आपको वो वहां पर नहीं चलेंगे। बात करते हैं लेसिक सर्जरी की, तो लेसिक सर्जरी एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन बना हुआ है सीपीओ वाले एस्पिरेंट्स के माइंड में सबसे ज्यादा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो इस चीज को प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि उसमें ये चीज मेंशन करी हुई है कि लेसिक सर्जरी इज आल्सो नॉट अलाउड। तो अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से जाएंगे तो आपको लेसिक सर्जरी भी अलाउड नहीं है। अगर आप कल को वहां पर जाते हैं, आपका स्लिट लैम्प पे टेस्ट होता है, वो चीज इजिली पकड़ में आ जाएगी, तो आपने जो भी उस पर पैसे लगाए तो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो आप एक माइंड में आप अपने आप से पूछिए, क्वेश्चन करिए, तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज के लिए जाइए। वैसे जो आईसाइट का जो टेस्ट होता है वो काफी इजी रहता है, वो सिंपली आपको बस लेटर्स पढ़ाएंगे, लेकिन 1% चांस के लिए अगर वहां पर आपको आईसाइट में रीमेडिकल मिल गया ड्यू टू एनी रीजन, और क्योंकि फिर रीमेडिकल अगर आपको मिले तो एक स्पेशलिस्ट फिर आपका नेक्स्ट डे चेकअप करेगा, और स्पेशलिस्ट के पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास स्लिट लैम्प रहेगा, उसके अंदर वो इजिली देखकर बता देंगे कि हाँ ये कैंडिडेट है, वो लेसिक करा रखा है, तो ये फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वहां पर हो सकता है। तो यही चीज मैं बोलूंगा आई टेस्ट, आई साइट, आई विजन को लेकर। सॉरी, और बाकी जो मेडिकल है उसमें उसका क्या रोल है, मतलब बाकी क्या कुछ चेक करते हैं और कितना टफ होता है? ओके तो सर, मेडिकल तो अगर मैं सही मायने में बताऊं एकदम टफ है। आप डिफेंस के जो गाइडलाइंस रहते हैं इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वो हर कोई एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट, तो अगर आप उसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो मेडिकल रहने वाला है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो आप इसका वेट का चार्ट ही देख लीजिए, आपको जो हाइट के हिसाब से, आपको जो वेट क्राइटेरिया, आपको एज और हाइट के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। मेरा एक को याद है, मेरा जो मेडिकल पढ़ा था वो अजमेर में बोर्ड पढ़ा था, अजमेर बोर्ड में इवन मेरे सामने जिन कैंडिडेट्स का वेट 1-1 kg से भी ज्यादा था, लेट से उनका जो हाइट क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उनका वेट 54-66 इस रेंज में होना चाहिए, अगर उनका 67 भी हुआ, 67.5 भी हुआ, तो इवन दोस कैंडिडेट्स वर गिवन रीमेडिकल, उन्हें रीमेडिकल मिला है मेरे सामने, और किसी किसी को तो अनफिट करके फाइनली आउट भी कर दिया गया। ऑल्दो ये चीज मेडिकल गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि 5 kg तक जो रिलैक्सेशन है वो मेडिकल ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे वो चीज अवेलेबल। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, उनके डिस्क्रिशन पे, वो अगर ये चीज अलाउ करेंगे तभी आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वो वहां पर आपको रिलैक्सेशन अलाउ नहीं करते तो दे कैन कॉल यू अनफिट एज वेल, और आप फिर मेडिकल से आउट हो जाएंगे। ये वेट कैटेगरी, ये वेट क्राइटेरिया रहते हैं जो मेरे को लगा कि काफी स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप उस चार्ट को देखिए, उस गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िए, और ट्राई करिए जो भी आपकी एज और हाइट के हिसाब से वेट रेंज गिवन है आप उसे वहां पर लेकर जाएं, सो दैट आपको कल को वहां पर जो डिफिकल्टी है वो फेस ना करनी पड़े। और भी अगर मैं अदर पार्ट्स की बात करूं तो कैरिंग एंगल्स हमारे चेक होते हैं हाथ के, कैरिंग एंगल आप बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आप एक किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पर जाकर अगर आप एक बेसिक अपना मेडिकल करा लेते हैं तो बेटर रहेगा। वो आपको जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आपको वहां पर मेडिकल में जज करने वाले, तो उनके लिए वो आपको बता देंगे कि कैरिंग एंगल अगर आपका ठीक नहीं है वो आपको बता दिया जाएगा, इन केस अगर आपके नॉक नीज हैं वो आपको बता देंगे, किसी किसी के काप्स पे वेरिकोस वेन्स आ जाते हैं, नसों के गुच्छे आ जाते हैं, तो उसके लिए भी वो मेडिकल में सीधे सीधे प्रोविजन है कि वो आपको अनफिट करके आउट कर सकते हैं। बट स्टिल उसमें वहां पर कुछ सर्जरीज एंड ऑल अलाउ रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ सर्टेन टाइम का लिमिटेशन है कि आपको 3 months या 6 months गिवन है,
मेडिकल के लिए अगर आपको देखना है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करें, एक एक पॉइंट को देखें, और अगर आपको किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी अपने आप पे इश्यू लगता है कि हाँ ये मेरी चीज सही है या नहीं, तो उसके लिए आई वुड एडवाइस कि आप किसी भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर पर जाकर आप उसे एक बार देखवा लें, सो दैट वो आपको फर्दर गाइड करते हैं। ये चीज मेरा इसमें सजेशन रहेगा मेडिकल के प्रोसेस के लिए। वो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और उसे देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे ही स्टेप्स के बारे में बात कर ली, टीयर वन, उसके बाद हमने फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर ली, टीयर टू की बात कर ली और मेडिकल की भी बात कर ली, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, एक चीज, और आपने अभिनय सर से कोचिंग की थी और जितना मुझे समझ में आ रहा है आपने पूरी प्रिपरेशन अपनी ये कोविड के दौरान ही की है, तो प्रिपरेशन आपने ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन कोचिंग वगैरह? सर मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपना जो थर्ड ईयर था कॉलेज का उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था लास्ट सेमेस्टर में, तो उस टाइम पे सेंस मेरे पास थोड़ा टाइम रहता था तो मैं अभिनय सर की उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो मैंने 3 to 4 months उनकी ऑफलाइन क्लासेस करी थी। वो चीज़ करने के बाद बाकी जो मेरा प्रिपरेशन रहे वो पूरा का पूरा ऑनलाइन रहे। इवन आई हैव जॉइंड योर क्लासेज एज वेल ऑन अन अकेडमी, आपके जो प्रैक्टिस सेट्स होते थे विच यू यूज टू प्रोवाइड डेली वो उसमें मैंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करा, उन्हें टाइमली मैनर में करके उसे सबमिट करना, वो उसने मेरे को इंग्लिश की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करी। वो मैं समझ रहा हूँ, शायद आप उस वाले प्रैक्टिस सेट की बात करो जो मैं न्यूज़पेपर से बनवाता था। यस सर, यस, वो डेली के न्यूज़पेपर से बनता था तो काफी थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल भी हाई रहता था इसीलिए काफी कम। यस सर, उसको एनीवे, सो हमने हर चीज के बारे में बात कर ली है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो या कोरा पे अवेलेबल हो? सर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप कंफर्टेबल हो तो। तो ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं या फिर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही। इसके अलावा पीडीएफ जो बताई उसका लिंक भी रहेगा, बुक लिस्ट उन्होंने बता दी, वो कैबलरी पीडीएफ मैंने पहले ही मना कर दी। बस सारी चीजें, आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सीपीओ की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई सवाल बचा है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, बाकी कोरा पे अवेलेबल है, कोरा का लिंक भी दे देंगे, कोरा पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, एसएससी सीपीओ अच्छी पोस्ट है, एसएससी दिल्ली पुलिस में एसआई आप बन सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड पोस्ट। और थोड़ा सा हाँ वर्क नेचर के बारे में आप बता दीजिए कि दिल्ली पुलिस के बारे में वर्क और बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कितना अच्छी जॉब, मतलब कितना ईजी जॉब है, कितना टफ जॉब है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट। ओके सर, सो सिंस सर आई एम सेलेक्टेड फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, तो इसमें जो गर्ल्स हैं उनकी भी वैकेंसीज रहते हैं एंड दे आर हाईली प्राउड टू जॉइन द सर्विस। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज अंडर गोइंग ट्रेनिंग, वो अभी दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 2018 बैच से। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए पोस्ट नहीं है, इवन आई हैव सीन कि देर आर गर्ल्स हु आर गिविंग देयर सर्विसेज इन बीएसएफ फोर्स एज वेल, जिसे हम इतना डिफिकल्ट समझते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक पर्सन की चॉइस है, उन्हें कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। इवन मैं अगर अपने बारे में भी बात करूं तो मेरा पहले बिल्कुल भी एक ट्रैजेक्टरी अगर मैं बोलता हूं तो मेरा सीपीओ की तरफ नहीं था, सिंस आई टोल्ड यू कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। लेकिन एक बार मैं एफकैट मैंने एग्जाम क्लियर करा था तो उसके लिए मैं एसएसबी जब देने गया एएफएसबी, तो वहां पर जब मैंने उनका एक लाइफस्टाइल देखा, एक उनका जो वर्क कल्चर देखा, तो उसमें मेरे को डिसिप्लिन काफी ज्यादा देखने को मिला। वहाँ की जो एक लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ उसी से मैंने मोटिवेट होकर, उसी से मैंने इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मेरे को अब आगे जाकर एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में ही जाना है। उसके लिए मैंने अलग अलग सीडीएस एग्जाम भी दिया बट आई कुडंट क्वालिफाई द एसएसबी पार्ट, दैट इज अनदर स्टोरी। बट येस, इफ यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट जॉब प्रोफाइल इन एसएससी सीपीओ एग्जाम, तो दिल्ली पुलिस में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको थ्रू आउट योर टेन्योर इन द सर्विस, आपको दिल्ली में ही वर्क करने को अपॉर्चुनिटी मिलता है। और दिल्ली की जो पुलिस है वो आपको भी पता है कि पूरे के पूरे कंट्री में उसका बहुत नाम है, उसके पास जो केसेस आते हैं हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं, कैपिटल सिटी है, सारे के सारे आपको फैसिलिटीज अमेनिटीज, दिल्ली पुलिस के जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब ऑल इन ऑल
एक ऐसा वर्क कल्चर है जिसमें आपको काम करने में बहुत मजा आएगा अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेस्क जॉब करना है, 9 to 5 जॉब करना है, तो शायद आपके लिए ये जॉब उतनी कंफर्टेबल ना हो। जैसे मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये एक लाइफस्टाइल है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इस लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर आप सर्व करना चाहते हैं इस लाइफस्टाइल को जीते हुए, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी यूनिफॉर्म जॉब से अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई जॉब दे पाएगा। और रही बात बॉयज और गर्ल्स की, तो ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आज के टाइम पे गर्ल्स ना चूज करें, ना ऑप्ट करें। देर आर गर्ल्स, जो मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड है सर्व करने को कि वो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग का भी जो पैरामीटर है वो दोनों के लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि बॉयज से एक्सपेक्टेशंस हायर रहता है, गर्ल्स से कम रहते हैं। वहां पर उनकी जो ट्रेनिंग है वो सिमिलर लेवल पे ही दोनों का चलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज वंस चॉइस कि उन्हें एक लाइफस्टाइल कैसा चाहिए। अगर वो लाइफस्टाइल चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, उन्हें एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, तो यस, यूनिफॉर्म सर्विसेज आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर देम। ऑलराइट, तो अगर आप अपने कंधे पर सितारे देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी करिए और आपके कंधे पर सितारे जरूर चमकेंगे और आप पाताल लोक के जयदीप अलावत भी बन सकते हैं। So anyway, he has given everything about the post. सारी चीजें बता दी हैं, कैसे तैयारी करना है, क्या है पोस्ट के बारे में, सब कुछ बता दिया। So we'll wrap this up here and I hope आपको जितनी बातें बताई समझ में आई होंगी, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपका जवाब दे दूंगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच, बाय।